राज्यपाल महोदय ने सही किया है विधायक विधेयक लौटाकर। महत्वाकांक्षी होने के बावजूद ये विधेयक एक मृग मरीचिका है और मृग मरीचिका के पीछे भागने वाले की प्यास नहीं बुझती है। और मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये शेर की सवारी है, शेर की सवारी लंबे समय तक नहीं की जा सकती है और कोई उतरेगा तो फिर शेर खा जाएगा। इसलिए राज्यपाल महोदय ने भेजते समय जो भी टिप्पणियां की हैं उन टिप्पणियों पर संविधान कानून के जानकारों से परामर्श लेकर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो टिकाऊ रास्ता हो, राज्य का भी भला हो और राज्य में रहने वालों को भी भला हो। नहीं तो एक समूह को काल्पनिक दुश्मन मानकर उस पर हवा में प्रहार करते रहेंगे और यहां के लोगों से कहेंगे कि बाहरी लोग हैं, ये बिहार के हैं, यूपी के हैं, इनसे आपको खतरा है, तो इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए सीमा और परिधि जो संविधान की है, जो कानून से आपसे बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं जिनको राज्यपाल महोदय ने इंगित किया है, उनको देखते हुए एक सार्वगर्भित स्वभारित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। व्यक्ति पद एक समय सीमा तक के लिए है, राज्य को और समाज को तो निरंतर काल तक रहना है। इसलिए इस राज्य में शांति का माहौल कायम हो, स्थिरता का माहौल कायम हो, इसमें अगर भूमिका निभाएंगे तो युवा हैं, भविष्य भी काफी है, इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा। एक अवसर राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि सांगो फांग विचार करके। और 1932 केवल विधानसभा से पास हो जाएगा तभी लागू हो जाएगा, था तो है नहीं। विधानसभा से कोई विधेयक पास होता है राज्यपाल की सहमति होती है और इस मामले में तो नवी अनुसूची में डालने की बात कही गई है, उसके पहले ही ये मान लेना कि भी लागू हो गया और घूमकर लोगों के बीच में ये सब विभाग दिखाना ये सही नहीं है। केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं, विधानसभा ने एक समिति बना दिया है जो इसकी जांच करेगी कि निजी उद्योग जो यहां है वो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब स्थानीयता परिभाषित ही नहीं हुई है, नियोजन नीति ने अंतिम रूप ही नहीं लिया है और विधानसभा जैसी संस्था कोई ऐसी कमेटी बना देती है, तो ये सोच लीजिए कि किस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को हम विपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, इसमें तो राजनीति समझ में आ रही है, मगर राज्य के हित की विवेचना करते हुए इस तरह का कदम उठाना, ऐसी घोषणाएं करना, इस तरह का अभियान करना, ये बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय नहीं कहा सकता है। रणनीतिक निर्णय हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, इसको स्थायित्व प्रदान करने वाला व्यक्ति की स्थिति वही होगी जो मृग मरीचिका के राज्य में स्थिरता और शांति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सर, इसके प्यास बुझाने के लिए भागते रहता है। बार बार सरकार के विधेयक, सरकार के पास विधिक विभाग है, उसकी सलाह को भी सरकार नहीं मानती है। इसी शीतकालीन सत्र में सदन में भी ये चर्चा उठी कि ये जो विधेयक पास हुआ है वो उनके ही विधि विभाग ने मना कर दिया था कि ये कानून जम्मू में नहीं टिक सकता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, जोड़ दे रहा हूँ, तो क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक लापरवाही यानी अधिकारियों की गलती है या फिर नेताओं की जबरदस्ती? ये मैंने कहा ना कि रणनीतिक निर्णय है। भारत सरकार, आप को लगता है कि भारत की सरकार अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से हम पर दबाव डाल रही है तो हम जनता को खड़ा करें कि साहब हम तो आपके लिए ये करना चाह रहे हैं और हम ये करना चाह रहे हैं इसीलिए हमारे ऊपर इस तरह के दबाव आ रहे हैं, तो ये भी क्षणिक होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कोई सरकार अगर विधि विभाग का सलाह नहीं मानता है और सबसे बढ़कर महाधिवक्ता होते हैं, आप विधि विभाग को छोड़ दीजिए तो महाधिवक्ता के साथ फौज होती है आपके अधिवक्ताओं की, भारत सरकार के नामी गिरामी अभियंता आपकी तरफ से मुकदमे लड़ रहे हैं, इन सबों से परामर्श लेंगे तो सबके सब यही कहेंगे कि संभव नहीं है। इसके बाद भी हम असंभव को संभव करना चाह रहे हैं और ये कह दें कल कि साहब स्वर्ग में जाने के लिए हम सीढ़ी लगवा देंगे, सीढ़ी पर चढ़ के स्वर्ग पहुंच जाइएगा, यहां तक कह देंगे कि हमने कंसल्टेंट बहाल कर दिया साहब, उन्होंने टेंडर कर दिया है,
तो ये सब चीजें जैसी हैं उसी तरह की बात ये भी साबित हो। सर क्या लगता पीछे था कि इस पर समस्या आ सकती है और इस पर आपत्तियां हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जहां खतियानी जोहार यात्रा यानी इसी को उपलब्धि मानकर यात्रा निकाल रहे हैं और इस पर ऐसा आना कितना नुकसान होगा सत्ता पक्ष को? ये परिपक्व निर्णय नहीं है। अगर चुनाव की दृष्टि से भी हम सोचे तो चुनाव अभी 1.5-2 साल समय है और आज ही अगर ये बैलून को मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा फुला देंगे तो कहीं से कोई छेद हो जाएगा तो बैलून फिर खत्म हो जाएगा। जिसने भी उनको सलाह दिया होगा कि आप यह करिए, यह करना उचित केवल एक ही पृष्ठभूमि में हो सकता है कि भारत सरकार का कोई दबाव है या विपक्षी पार्टियों का कोई दबाव है कि आपकी सरकार को गिरा देंगे, हटा देंगे, या आप पर हम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव डालेंगे, तो उसके रिएक्शन में, उसके प्रतिकार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह किया है तब तो कहा जा सकता है कि जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने के लिए सही काम किया उन्होंने। मगर जो कानून बना ही नहीं, आज अगर जोहार खतियानी जोहार यात्रा हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और ये लागू नहीं होगा तो कल लोग पूछेंगे कि साहब आप करिए इसको, और तब इनके सामने समस्या खड़ा होगी। इसलिए मैंने कहा कि शेर की सवारी लंबे समय तक के लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। एक रणनीति के तौर पर मुख्यमंत्री ने जो किया है अपने नैरेटिव के हिसाब से सही किया है, मगर इसकी सीमा मर्यादा को देखते हुए इस पर पुनर्विचार भी जरूरी है और गंभीरता से एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस पर विचार करना चाहिए। राज्य के लिए, हित के लिए सबसे उत्तम कदम होगा उनका। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।